पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाइनपार स्थित गायत्री नगर में बिजली विभाग का कार्य कर रहे कर्मचारी और क्षेत्रीय निवासी उस वक्त आमने सामने आ गए जब ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे। क्षेत्र के निवासियों ने बिजली विभाग के कार्यालय को प्रार्थना पत्र सौंपा और बिजली का ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की। दरअसल आज बिजली विभाग की टीम ट्रांसफार्मर देखने पहुंची और एक और नया ट्रांसफार्मर रखने की मांग की। आंचल सैनी ने बताया कि गत दिनों भी ट्रांसफार्मर में आग लग जाने की वजह से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया था और घरों तक लपटे पहुंची थी, जिसकी वजह से सभी क्षेत्र के निवासी ट्रांसफार्मर हटवाना चाहते हैं। ये गायत्री नगर जीआरपी लाइन के पीछे ट्रांसफार्मर रखा है, जिसको हटवाने के लिए सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर एक एप्लीकेशन दी थी बहुत समय पहले। उस पर तो कोई कार्रवाई करी नहीं इन लोगों ने, और अब एक और ट्रांसफार्मर रखवाने की बात चल रही है। और बिना बताए ये लोग बिना सूचित किए हुए यहाँ पे सारा सामान लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे सारा सामान लेकर आए हैं और हम इनसे मना कर रहे हैं बनाने के लिए। जई साहब भी आए, उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी, वो देखकर चले गए। बात नहीं सुनी जा रही है बिल्कुल भी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको भी हटाया जाए और दूसरा तो रखा ही ना जाए। क्या परेशानी? किस तरह की परेशानी? ऐसी है, यहाँ पे आए दिन आग निकलती है इसमें ट्रांसफार्मर में से। हमारा घर बराबर में है, अगर इसमें कुछ भी होता है तो हमारे घर में सारी की सारी आग आती है। शिकायत की है लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन पुराना है ट्रांसफार्मर अपने घर? हमारा मकान यहाँ पे 2004 में बना था, ये उससे 2-3 साल पहले रखा है, यानी कि 2001 में या 99 में तभी से रखा है। जी, तो लोगों ने कई बार प्रयास किया? प्रयास किया लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। जेई साहब बदल जाते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? अधिकारियों से यही मांगे कि इस ट्रांसफार्मर को भी हटाया जाए और यहाँ पे जो लग रहा है नया उसे लगवाया ना जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।